ये देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही डेकोरेटिव आइटम बनाया है जो इस लॉकडाउन में आप जो है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बना सकते हैं। ये बस पेपर्स से बना हुआ है, आप देख लीजिए इतना खूबसूरत लग रहा है ना। वेलकम टू यू ऑल इन माय न्यू चैनल एनहांस योर डिफरेंट स्किल्स। आज मैं आप लोगों के लिए घर में पड़े वेस्टेज से कुछ एक क्राफ्ट बनाकर लाई हूँ जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इस लॉकडाउन के समय आप बच्चों के साथ बैठकर इस क्राफ्ट को बना सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये फेविकॉल है और ये सीजर है और ये पुराना घर में पड़ा हुआ कैलेंडर है। इसके पेपर से और ये पेपर से इसके पेपर से आप जो है इस क्राफ्ट को बना सकते हो। लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने पेपर्स का ऐसे कटिंग कर लिया है और ये मेरे पास बॉर्नविटा का जो है पड़ा हुआ था, तो मैंने इस तरह से कटिंग करके इसको रखा है। इसको आगे मैं यूज करूंगी, इसको और कुछ नहीं करना है। ऐसे आप कोई पतला से स्टिक टाइप का ले लो या पेंसिल ले लो और ऐसे ऐसे करके फोल्ड करते जाओ। ऐसे फोल्ड आप करो, ऐसे ऐसे आप फोल्ड करके इसको इस तरह बना ले और इसको चुपचाप फेविकॉल गम से इस तरह आप इस तरह ऐसे स्टिक कर ले और इस तरह से आप बहुत सारी बना लें। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से पाइपिंग बहुत सारा बना लिया है, इतने सारे है ना। अब इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए, अब इसको ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ऐसे इक्वल वे में ऐसे एडजस्ट कर लेना है। ये मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया है, अब देखिए। ओके, तो इक्वल इक्वल ऐसे करके कट कर लेना है दोनों तरफ से। नाउ स्टिक दिस बोर्ड ऐसे करके इस तरह से मैंने इसके हेल्प से इसको पेस्ट कर लिया है ऐसे रखने के लिए। ओके, गुड इट इज। ओके, इस बेस पे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए दोनों साइड से ऐसे व्हाइट जो है मैं पेस्ट कर ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा बोर्ड मेरा और जो है अच्छा लगे, सुंदर लगे, है ना। इधर सूखने देंगे आराम से, है ना, दोनों साइड में आराम से सूखने देंगे और फिर इधर से भी मैं ऐसे पेस्ट कर ले रही हूँ, है ना, इसी के हेल्प से, निकल के हेल्प से दोनों साइड में लासेंगे कर लेना है। यहाँ पे स्विंग को ऊपर से हैंग करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, है ना, तो इस तरह हम लोग ऐसे इसको हैंग करने का बना लेते हैं। ठीक, और इसको आराम से कुछ देर आप रहने दो, आराम से ड्राई होगा तब तक हम अनदर कवर कर लेंगे। ऐसे घर
घर में पड़े वेस्टेज कैलेंडर वगैरह से, पेपर्स वगैरह से आप जो इस लॉकडाउन में आराम से घर पे बच्चों के साथ बैठकर बना सकते हो, बच्चे भी खुश, टाइम पास और आपको परेशान भी नहीं करेंगे। देख लीजिए इस तरह मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। अब इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे इसके गम के हेल्प से। मेरे पास सिर्फ अभी फेविकॉल ही अवेलेबल था, इसलिए मैंने ज़्यादा सारा फेविकॉल का यूज़ किया। अगर आपके पास ग्लू गन हो तो आप उसका यूज़ करके कर सकते हो, है ना। इस तरह से मैंने इसको भी इस तरह और भी ज़्यादा थोड़ा सा और फेविकॉल लगाकर इसमें भी ये आपका, और कुछ देर के लिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सूखने देना होता है ना। इस तरह मैंने इसको भी टेस्ट कर लिया। अभी ये आपका ऐसे तैयार हो गया। अब इसको ऐसे करके स्टिक कर देंगे, है ना, और सूखने देंगे। इसको मैं इसके हेल्प से सारा कुछ मैं फेविकॉल से की हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो फिर ग्लू मिलना, ग्लू का स्टिक नहीं मिल रहा था, तो फिर इसी से मैंने सोचा क्यों ना बना दिया जाए, है ना। अब इसको आराम से ऐसे स्टिक कर लेते हैं। लेकिन ये जो है पूरी तरह ड्राई हो चुका है। अब इसको स्पिन करने के लिए एक थ्रेड की हेल्प से, आपके पास अगर उल होगा तो उसको ले लें। मेरे पास ये घर में अभी लॉकडाउन में पड़ा था इस तरह का थ्रेड, तो मैं ले लिया। इस तरह आप लीड के हेल्प से इसको क्या करें, ये जो है ये इसमें ऐसे डालकर इधर से निकाल लें, इधर से है ना। आप इसको हैंग होने के लिए यहाँ पे अच्छे से अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे इस तरह से आपका स्टार्ट बन के तैयार हो गया। और इसको ऐसे स्टिक कर देंगे, है ना। देखिए ये आपका स्ट्रिंग जो है बिल्कुल रेडी है, ये आपका स्ट्रिंग बिल्कुल रेडी है, है ना। आई हैव मेड टू स्ट्रिंग्स इन पेपर। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।